आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिकांश ट्रेन खाली पटरी पर दौड़ रही हैं, ना के बराबर यात्री ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। ऐसे में स्टेशन पर सामान बेचने वाले भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। पहले लॉकडाउन के अंदर ट्रेनों को बंद करना पड़ा था, ट्रेनों में यात्री हाउसफुल चल रहे थे, लेकिन इस बार ट्रेनों से यात्री गायब होते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ट्रेनें खाली पटरी पर दौड़ रही हैं। जो ट्रेनें हाउसफुल चला करती थीं, उन ट्रेनों में इक्का दुक्का यात्री नजर आते हैं। यात्री ट्रेनों से गायब होते जा रहे हैं, इक्का दुक्का ट्रेनों में दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं। वो चहल पहल भी स्टेशनों पर अब नजर नहीं आ रही जो पहले नजर आती थी। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री कहते हैं कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, इक्का दुक्का यात्री ही नजर आ रहे हैं। कन्याकुमारी से नियामुद्दीन जाने वाली ट्रेन पूरी तरीके से खाली नजर आई, इक्का दुक्का यात्री ट्रेन में नजर आए। कोई यात्री नहीं है इसमें, कम है। कितने यात्री? थोड़े से। दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, ट्रेन खाली है? खाली है, पूरी खाली है। अच्छी बना खाली। कोई मास्क नहीं पहन रहा अंदर ट्रेन में, सारे खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी हम सब तो मास्क पहन के रखे। यात्री भी कम है। यात्री अभी लॉकडाउन चल रहा है तमिलनाडु में भी, वो भेज रहे हैं लॉकडाउन में सारे घर, अब घर आ रहे हैं। कम यात्री है। खाली दिखाई नहीं। खाली ना है। खाली है ना। कम यात्री है। यात्री कम है। पहले तो भर के चलते थे, घर के अभी तो सबको, सब लोग जिनको आना था वो आ गए। ट्रेन से यात्री गायब होते जा रहे हैं, ट्रेनें बंद होती जा रही हैं। पूर्व में रेलवे के द्वारा कई सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, कई और ट्रेनों को यार्ड में खड़ा किया सकता है। यार्ड में भी ट्रेनों की लाइन लग गई है, तमाम ट्रेनें यार्ड में खड़ी हुई आराम कर रही हैं। स्टेशन पर काम करने वाले लोग भी परेशान हैं, खान पान वाले परेशान हैं। खान पान विक्रेता कहते हैं कि बोनी भी नहीं होती है, सामान धरा के धरा रह जाता है, सामान खराब हो रहा है, यात्री बेहद कम आ रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं वो सामान को खरीद नहीं रहे हैं। इस समय स्थिति भैया ये है कि कस्टमर आ नहीं रहा है, माल ऐसे रखा रहता है, माल ऐसे रखा रहता है, दुकानदार ही नहीं है। और समय आप भी देख रहे हो, आप गाड़ी पर चेक कर रहे हो, लेकिन कस्टमर आता है, एक आदमी आता है, कोई पानी वाला है, बस यही दुकानदारी है भैया। माल रखा रहता है, दुकानदार ही नहीं है। खराब हो रहा है, खराब होता है, वापिस जाता है, हमारा नुकसान जा रहा है इस समय काफी। नामात्र में बिक्री हो रही है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों को बंद किया सकता है। जल्द ही रेलवे कई और ट्रेनों को यार्ड में खड़ा कर सकता है। तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, यही वजह है कि यात्री कम निकल रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना का कहर चल रहा है, यात्री जाने से बच रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं वो मजबूरी में आ रहे हैं, या तो श्रमिक आ रहे हैं या फिर मजबूरी बस लोग ट्रेनों में यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है, रेल यातायात पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। ट्रेनें खाली चल रही हैं, यही वजह है कि रेलवे के द्वारा तमाम सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये सीट है, ये कन्याकुमारी से चलकर नई दिल्ली निजामुद्दीन तक जाने वाली ट्रेन है, जो पूर्व में पूरी तरीके फुल रहती है। ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह ही रहती थी, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि हालात किस तरीके के, सीट पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई। ऐसे ही पूरी ट्रेन का हाल है, और इक्का दुक्का यात्री ही इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। केवल गिने चुने यात्री ही आप देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही सभी ट्रेनों का हाल दिखाई दे रहा है, ट्रेनें खाली हैं, कम यात्री यात्रा कर रहे हैं, और यही वजह है कि रेलवे अपनी ट्रेनों को लगातार ब्रेक लगाने में जुट हुई है। तमाम सारी ट्रेनों को रेलवे के द्वारा अब तक बंद किया चुका है, और कई ट्रेनों को बंद करने की तैयारी रेलवे कर रहा है। अपने साथी इकबाल के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।